लाइव स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करें वोडाफोन आइडिया के बारे में। क्वार्टर फोर का इसका रिजल्ट आ गया, अब आपको क्या करना है, बाय सेल होल्ड देख लो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में वोडाफोन आइडिया का एक भी यूनिट है, क्वार्टर फोर रिजल्ट देखना जरूरी है। डायरेक्ट रिजल्ट पर चलते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं, फिर आपको क्या करना है पूरी डिटेल से देख लेना। रिजल्ट देख के भाग रहे हो, सबसे बड़ी गलती तो यहीं पर कर रहे हो ना। आप आंकड़े और फिगर्स है जो यहाँ पर मिलियंस में है, शायद दोस्तों मिलियंस में है, ये दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया है और ये अच्छे से दिखाई नहीं दे। आरएस मिलियंस है, शायद एक्सपर्ट पर शेयर डाटा मिलियंस है दोस्तों, मिलियंस है, करोड़ है, मिलियंस होना चाहिए सर, ऐसे ही दिख रहा है। तुम देख लेने मिलियंस हो करोड़ों देख लेते, प्रॉफिट लॉस तो देखे ना पहले, जो भी हो करोड़ो मिलियन हो अपन को क्या। देखो क्वार्टर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर है। अब टोटल इनकम की बात कर लेती है, पिछले ईयर में कंपनी की 1,02,718 मिलियन की थी, पिछले क्वार्टर में 1,06,586 मिलियन की थी, इस क्वार्टर में 1,06,257 मिलियन की इनकम हुई है। टोटल देखो खर्चे देख लेते हैं, पिछले ईयर में 1,68,196 मिलियन का खर्चा किया, पिछले क्वार्टर में 1,86,485 मिलियन का खर्चा किया, इस क्वार्टर में 1,70,269 मिलियन का खर्चा किया। प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं, पिछले ईयर में कंपनी को 65,631 मिलियन का लॉस हुआ, पिछले क्वार्टर में 80,000 मिलियन का लॉस हुआ, इस क्वार्टर में 64,189 मिलियन का लॉस हुआ है। हालांकि क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है परफॉर्मेंस अच्छी है, लॉस कम हुआ है, कहाँ 80,000 का लॉस, कहाँ 64,000 का लॉस, जिस वजह से अर्निंग पर शेयर माइनस में 2.45 रुपये था, अब माइनस में 1.53 रुपये हो रहा। फिर बता रहा हूँ कंपनी को है, अगर ये मिलियंस में आंकड़े है तो 64,189 मिलियन का लॉस हुआ है, और करोड़ में है तो 64,189 करोड़ का लॉस हुआ है। मुझे लगता है ये मिलियंस में ही है क्योंकि अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, देख लिया कि 64,189। अब देखो दोस्तों, ये कंपनी, इस कंपनी ने आज तक रिटर्न निकाल के नहीं दिया, बुक वैल्यू माइनस में। ऐसी कंपनियों पे पैसे लगा रहे हो, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, मेरे ख्याल से इसको अवॉइड करनी चाहिए। आगे आप भी स्टडी कर लेना दोस्तों, क्या सही है क्या गलत है।